हेलो दोस्तों, दोस्तों क्या आप भी अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं? दोस्तों क्या आप भी अपने मोबाइल से ही अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं? तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने मोबाइल से आधार कार्ड डाउनलोड करें। दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। दोस्तों आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम पर आ जाना है। क्रोम पर आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है UIDAI, कुछ इस तरह से दोस्तों सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद दोस्तों आपको वेबसाइट पर क्लिक कर लेना है। वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आधार डाउनलोड आधार पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इंटर आधार नंबर, यानी यहाँ पर आपको आधार नंबर सेलेक्ट कर लेना है। आधार नंबर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कैप्चा सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों जैसा कैप्चा है उसी तरह आपको भी यहाँ पर मेंशन कर लेना है। दोस्तों मेंशन करने के बाद, कैप्चा मेंशन करने के बाद सेंड OTP पर क्लिक कर लेना है। सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक OTP आएगा, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेना है दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं OTP आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर लेना है। OTP सेंड करके आपको वेरीफाई डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ता है, वेट कर लेना है। दोस्तों यहाँ से आपको 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका आधार डाउनलोड हो चुका है। यहाँ से आपको ओपन कर लेना है। PDF पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको कैपिटल लेटर में दोस्तों अपना नाम यहाँ पर लिखना है और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, अपना नाम कैपिटल लेटर में सेलेक्ट करेंगे, 4 अंक जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपका आधार यहाँ पर शो हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना।